देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति ही कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता
एक स्पिरिट है, सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओज के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही हैं। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है, और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही है। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर
नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि